सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है विनीत एंड मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर चल रही है एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन की एक सीरीज। चैप्टर की इस दौड़ में हम क्लास सिक्स से ट्वेल्थ तक का जो जर्नी है वो कम्प्लीट करेंगे। एनसीईआरटी सब्जेक्ट्स विल बी ऑल द सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू सोशल साइंस। ओके, सोशल साइंस की सारी बुक्स को हम कम्प्लीट करेंगे विद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ओके, ताकि आप ये ना बोलो कल को मेरे सामने आके कि सर ऐसा है कि आपने जो समझाया वो तो नहीं आया। ठीक है, सो इस लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की जर्नी में हम चैप्टर टू पे पहुंचे। अभी क्लास सिक्स के चैप्टर का नाम है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो अर्थ का शेप है, अर्थ का शेप है वो है जियोइड। कैसा अर्थ का शेप बेटा? जियोइड। ठीक है, अर्थ का शेप है वो है जियोइड। ठीक है, और ग्लोब क्या है? ग्लोब जो है वो अर्थ का ट्रू मॉडल है। ट्रू मॉडल मतलब क्या होता है सर? फोटोकॉपी देखा है तो जो ग्लोब है वो अर्थ की फोटोकॉपी है, मतलब एग्जैक्ट सेम टू सेम है हमारी अर्थ का। ठीक है, इसमें जितने भी कंटिनेंट्स दिखाएंगे, जितने भी कंट्रीज दिखाएंगे, उन वो कंपैरेटिवली तो छोटे होंगे लेकिन जो साइज है अगर कंपेयर करेंगे दूसरी कंट्री से वो इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल मीन्स कि अगर जो रियल होंगे, समझ गए, अगर रशिया जितना बड़ा होगा उसके कंपेयर में इंडिया जितना छोटा होगा उतना ही दिखाया जाएगा। ये नहीं कि इंडिया को ज़्यादा छोटा दिखा दिया, रशिया को ज़्यादा बड़ा दिखा दिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो अर्थ है वो अपने पोल से फ्लैटेंड है, पोल से फ्लैटेंड है, जिसकी वजह से उसका नाम रखा गया है जियोइड। और जियोइड का मतलब ही होता अर्थ लाइक शेप। ठीक है, अब तुम अपने क्लासरूम में जाओगे तो आपको कुछ ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट दिखेगा, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ग्लोब। ठीक है, और आप देखोगे कि इस पर एक पृथ्वी लटकी हुई है। ठीक है, तो ग्लोब क्या होता है? ये एक मिनिएचर फॉर्म होता है अर्थ का। मिनिएचर मीन्स फोटोकॉपी, वी कैन से कि ट्रू मॉडल होता है ये अर्थ का। ठीक है, तो ट्रू मॉडल होता है अर्थ का। अर्थ जो ग्लोब होते हैं उसके साइज वेरी करते हैं, ग्लोब बड़े भी हो सकते हैं, ग्लोब पॉकेट फ्रेंडली भी हो सकते हैं। ठीक है, और ग्लोब बलून जैसे भी हो सकते हैं कि आप उसको एक बार फुलाओ कहीं पे और वो उसका साइज ले लेंगे। ठीक है, तो लिखा है द इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज नॉट स्फीयर, इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडल। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? यू मे लुक एट द ग्लोब केयरफुली इन योर क्लास रूम टू गेट एन आइडिया ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल और मिनिएचर ऑफ द अर्थ। मैंने क्या बोला अभी कि जो अर्थ है वो फ्लैटेंड है अपने टॉप से और जो इसका शेप है वो जियोइड है। तो बुक वालों ने कहा कि एक काम करो, अपनी क्लासरूम में जाओ, क्लासरूम में जाके देखो कि एक ग्लोब रखा होगा और ग्लोब में आप क्या देखोगे, यार ये जो ग्लोब है वो हमारे अर्थ का एक मिनिएचर फॉर्म है, एक छोटा सा फॉर्म है ना। तो व्हाट इज ग्लोब? तो एक ट्रू मॉडल है और मिनिएचर फॉर्म है अर्थ का। ठीक है, अब लिखा है ग्लोब्स मे बी वेरिंग इन साइज एंड टाइप। ग्लोब का जो साइज है और जो टाइप है वो अलग अलग हो सकता है। बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरिड इजिली, स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स एंड ग्लोब लाइक बलून्स विच कैन बी इनफ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरिड विद ईज। ग्लोब जो होते हैं उनका साइज, उनका टाइप वो चेंज होते रहते हैं। कुछ स्मॉल ग्लोब्स होते हैं पॉकेट फ्रेंडली, कुछ ग्लोब्स होते हैं वो बलून टाइप के होते हैं जिसको आप ब्लो करके फुला के आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। कुछ बिग वंस होते हैं, बड़े बड़े होते हैं जिसको आप अपनी जेब में तो नहीं रख सकते, लेकिन इट इज ऑल्सो अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ, है ना। तो ग्लोब इज नॉट अ फिक्स्ड, इट कैन बी रोटेटेड द वे अ स्टॉप स्पिन और पोटर्स व्हील इज रोटेटेड। तो अगर मैं यहाँ ग्लोब के पास ले जाऊं, ये रहा ग्लोब हमारा, तो देखो ये टॉप स्पिन, अगर आप ग्लोब को घुमाओगे तो वो घूम जाता है ना, ग्लोब घूम सकता है। ठीक है, अगर ये ग्लोब है मैं इसको घुमाऊंगा तो वो घूम जाएगा, है ना, क्योंकि ये टॉप से फिक्स्ड होता है। ठीक है, वो टॉप से फिक्स्ड होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक लाइन होती है। ठीक है, देखो ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, आप देखोगे कि ये अर्थ के सेंटर से होकर नहीं गुजर रही है। क्या ये अर्थ के सेंटर से होकर
ये अर्थ के सेंटर से होके नहीं गुजरती है, ठीक है। आप, मैंने क्या बोला कि आप जाओ ग्लोब लेने, ग्लोब लेने या ग्लोब देखने, आप देखोगे कि जो ग्लोब है वो अपने टॉप से फिक्स्ड है, ठीक है। मतलब फिक्स्ड मतलब कि वो पकड़ा गया है ऊपर से, ठीक है, और हम इसको घुमा सकते हैं, ठीक है। इज इट ओके टू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो उसको हम घुमा सकते हैं और आप देखो लिखा क्या है, लिखा क्या है, द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड। मतलब फिक्स्ड का यहाँ पे मतलब है कि वो ऐसा नहीं है कि एक जगह पर स्थिर है, एक जगह पर रुका हुआ है, ठीक है। इट कैन बी रोटेटेड द वे एज अ टॉप स्पिन ऑफ पोटर्स व्हील इज रोटेटेड। ये पोटर व्हील, जैसे मटके बनाने वाला पोटर होता है ना, उसकी जो व्हील होती है, जैसे वो घुमाता है उस व्हील को, वैसे ही हम भी अर्थ को घुमा सकते हैं। मतलब कि अर्थ का जो ग्लोब है, सॉरी अर्थ को नहीं घुमा सकते, ग्लोब है, तो ग्लोब को हम लोग स्पिन करा सकते हैं, है ना। ऑन द ग्लोब कंट्रीज कंटिनेंट्स एंड ओशन आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि जितनी भी कंट्रीज है, जितनी भी कंटिनेंट्स है, वो अपने करेक्ट साइज में दिखाए गए हैं। कि अगर मान ले कि अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ रशिया को इंडिया के साथ, तो ये नहीं होता कि ये नहीं होगा कि जो रशिया है वो ज़्यादा बड़ा दिखा दूँ और जो इंडिया है उसको ज़्यादा मैं छोटा दिखा दूँ, ठीक है। सो इट वुड नॉट हैपन जब हम ग्लोब की बात करेंगे तो, ठीक है। लिखा है इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। वी नीड सर्टेन पॉइंट्स टू रेफरेंस, सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेस। अब देखो अर्थ इतना बड़ा है, और अगर मैं आपको बोलूँ कि बेटा एक काम करो, मेरे को एक जगह पे जाना है, जगह का नाम है दिल्ली। सपोज कर लेते हैं कि मेरे को दिल्ली जाना है, अब मेरे को बताओ कि मैं दिल्ली कैसे जाऊँ, कैसे जा सकता हूँ मैं दिल्ली। सो व्हाट विल यू से कि एक काम करो सर, आप यहाँ से लेफ्ट जाओ और राइट जाओ, ठीक है। आप ऐसे तो नहीं करोगे कि एक काम करो सर आप लेफ्ट जाओ और राइट जाओ। यू विल टेल मी द कोऑर्डिनेट्स। क्या बताओगे आप मेरे को? कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स बताओगे, कोऑर्डिनेट्स बताओगे जिससे कि मैं उस एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच सकूं, एम आई राइट? ठीक है, तो वो कोऑर्डिनेट्स अब देखो, यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इज अ टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। सो देखो, ये जब मैं ग्लोब को दिखाऊंगा, अगर मैं तुम लोग ग्लोब दिखाऊं, तो जो ग्लोब है, ग्लोब है वो टिल्टेड है, ठीक है। अगर मैं ग्लोब दिखाऊं तो वो टिल्टेड है। अगर आप ग्लोब देखो ऊपर आके, अगर आप इधर में ग्लोब आके देखो, तो यार ये टिल्टेड है, ये मुड़ा हुआ है। मैंने अभी इसके बारे में बताया कि यार ये मुड़ा हुआ है, देखो जरा, है कि नहीं। ये देखो, अगर इसका सेंटर तो ये होना चाहिए, बट ये तो टिल्टेड है, इजंट इट? टिल्टेड है ना, क्यों है? क्या एक्चुअल में जो हमारा अर्थ है, अर्थ है क्या एक्चुअल में जो हमारा अर्थ है वो भी ऐसे टिल्टेड है, ऐसे ही मुड़ा हुआ है? हाँ, सो ऐसा ही है बेटा, ठीक है। जो अर्थ है वो भी टिल्टेड है, वो भी थोड़ा सा झुका हुआ है, ठीक है। अब वो झुका हुआ है, वो कुछ डिग्री पे झुका हुआ है, मतलब झुक, अगर कोई भी चीज को आप मूव करोगे तो वो सम डिग्री में मूव करेगी, है ना। अगर मैं इजी लैंग्वेज में बोलूं तो, अगर आप किसी भी चीज को हटाओगे तो वो कुछ दूरी तय करेगी, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम सर्कल में कोई चीज को हटाते हैं तो वो डिग्री में मूव करती है, ठीक है। सर्कल में हटाते हैं कोई भी चीज को, अगर इधर से उधर करेंगे तो डिग्री में मूव करेगी, है ना। तो जो ये नीडल फिक्स है, ये नीडल फिक्स है, अर्थ भी ऐसे ही टिल्टेड है, अर्थ भी ऐसे ही टिल्टेड है, ठीक है। तो ये जो नीडल है इसको बोलूंगा एक्सिस। क्या बोला जाएगा? एक्सिस। आपने सुना होगा एक्सिस वर्ड, ठीक है। तो ये जो नीडल फिक्स है उसको बोला जाता है एक्सिस, ठीक है। और अपने सेंटर से अगर मान लेते हैं कि ये सेंटर है, तो अपने सेंटर से जो ये एक्सिस है, जो अर्थ है, वो कितनी डिग्री झुकी हुई है, कितनी डिग्री झुकी हुई है? तो वो झुकी है 23.5 डिग्री। इट इज नॉट मेंशन इन योर बुक, बट जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। जैसे कि इस ग्लोब में दिखा रहा है, तो ग्लोब तो एक मिनिएचर फॉर्म होता ही सर, हमें मालूम है, ठीक है। बुक में क्या लिखा है? यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इज अ टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। जो ग्लोब है, उस जो ग्लोब है आपको दिखा जाएगा, तो ग्लोब एक नीडल से फिक्स है, ये नीडल से फिक्स है यहाँ पे, ठीक है। और जो ग्लोब है वो टिल्टेड है, मतलब झुका हुआ है, ठीक है। जो वो नीडल है जो वहां से पास हो रही है ग्लोब से, उसको क्या बोलूंगा? अर्थ का एक्सिस, ठीक है। टू पॉइंट्स ऑफ द ग्लोब थ्रू द नीडल पासेस टू पोल्स ऑफ द अर्थ, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तुमने सुना होगा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल क्या होता है। तो जहां से वो एक्सिस, इमेजिनरी लाइन,
पास कर रहा है उसके नॉर्थ वाले साइड को बोलूंगा, एकदम नॉर्थ टॉप मोस्ट पार्ट को बोलूंगा नॉर्थ पोल, साउथ साउथ के सबसे लोएस्ट पार्ट को बोलूंगा साउथ पोल। अगर मैं ग्लोब में दिखाऊं तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये हो जाएगा नॉर्थ पोल, और नीचे वाला जो पार्ट हो जाएगा वो साउथ पोल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नॉर्थ पोल और ये हो जाएगा साउथ पोल, और ये जो लाइन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक्सिस। क्या हो जाएगी बेटा, एक्सिस। तो सर आप ये बताओ कि क्या ये सेम एक्सिस हमारे अर्थ पे भी है, मतलब सेम ही ऐसे पॉइंट हमारे अर्थ से भी गुजर रहे हैं? बेटा नहीं, ये एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन क्या होती है, जिसको हम मानते हैं बस, एग्जैक्टली जो चीज प्रेजेंट नहीं है बस हमने उसको इमेजिन कर लिया, ठीक है। तो लिखा गया है द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। देखो ये सेम वही लिखा है जिस प्रकार से हमारी अर्थ मूव करती है। हमारी अर्थ कहाँ से किधर मूव करती है, अर्थ मूव करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो ग्लोब भी है ना वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करते हैं हम, है ना। जस्ट एज द अर्थ मूव, जैसे कि हमारी अर्थ मूव करती है वैसे ही ग्लोब भी हम मूव करेंगे कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ। बट रिमेंबर, याद रखना, देयर इज अ मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल, इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस व्हिच इज एन इमेजिनरी लाइन। जो अर्थ है उस पे ऐसा कोई नीडल नहीं है, ठीक है, ये अपने एक्सिस पे तो घूमती है, वी ऑल नो कि भाई अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, लेकिन जो लाइन है वो इमेजिनरी है, ठीक है। काइंडली रिमेंबर दिस लाइन, रिमेंबर दिस पॉइंट, ये जो लाइन है जो एक्सिस है वो इमेजिनरी है। अगर हम रियल अर्थ को देखिए तो, अगर असली वाले अर्थ से हम कंपेयर करें तो जो हमारी लाइन होगी वो इमेजिनरी होगी, इमेजिनरी लाइन होगी जो एक्सिस को पास करेगी, ठीक है। अब एक और इमेजिनरी लाइन ऐसी ले लेते हैं। अब अभी तक हमने क्या देखा, अगर मैं लेके जाऊं यहाँ पे तुम्हें, कि ये हमारी अर्थ है, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे सारी सुविधा है, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। मान लो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, मान लिया ये हमारा अर्थ है और ये हमारा ज्यादा हो गया, क्या हो रहा है ये, मान लो ये हमारा एक्सिस है, क्या है, एक्सिस, ठीक है। अब एक और लाइन होगा जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। देखो ये तो इमेजिनरी लाइन है, हमें पता है ये क्या, एक इमेजिनरी लाइन। एक और इमेजिनरी लाइन होगी जो इस अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है, उस इमेजिनरी लाइन को बोलूंगा मैं इक्वेटर, ठीक है। तो एक तो एक्सिस होता है, ठीक है, जो कि शो करता है कि जो अर्थ है वो थोड़ा सा झुकी हुई है, ठीक है। और एक और लाइन होता है इसके साथ, वैसे तो लाइंस होते हैं, इमेजिनरी लाइन जो हमारा एक्सिस है, उसके बाद आता है एक दूसरा इमेजिनरी लाइन जो कि अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब उस इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं इक्वेटर, मैंने बता दिया, ठीक है, समझ गए होगे तुम लोग, समझ रहा मैं, अब मैं आशा करता हूँ, मतलब मैं होप करता हूँ कि तुम समझ गए हो, ठीक है। आओ जरा अनदर इमेजिनरी लाइन क्या लिखा है, अनदर इमेजिनरी लाइन रन्स ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन है उसका नाम क्या है, इक्वेटर। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हाफ को बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। तो मैंने क्या बताया कि अगर मैंने अर्थ को, यह है अर्थ और ये दो पार्ट में डिवाइड होगी, तो इसका नॉर्थ वाले को बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ वाले को बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर। इज देयर एनी डाउट, तो उसको क्लियर कर लो कि अगर मैं एक लाइन बिछा देता हूं, सपोज दैट कि अगर मैं, ये बॉल है, एक मिनट रुक जाओ, अगर ये बॉल है और मैंने इसको बीच से काट दिया तो इसका नॉर्थ वाला जो पार्ट है और जो साउथ वाला पार्ट है वो अलग अलग हो जाएगा। तो जो नॉर्थ वाला पार्ट है उसको मैं बोलूंगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो साउथ वाला पार्ट है उसको बोलूंगा साउदर्न हेमिस्फीयर, याद रखना। तो सेम मान लो कि ये अर्थ है, अब अर्थ है, एक इमेजिनरी लाइन बिछाई जिसको हमने इक्वेटर बोला, उसने अर्थ को काट दिया, अब अर्थ दो पार्ट में डिवाइड होगी, नॉर्थ वाला और साउथ वाला। जो साउथ वाला पार्ट होगा वो साउदर्न हेमिस्फीयर होगा, जो नॉर्थ वाला पार्ट होगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा, है ना। दे आर बोथ, लिखा है कि दे आर बोथ इक्वल हाफ्स। अब मैंने तो वही बोला ना कि अगर दो बराबर भागों में बांटता है तो
तो नॉर्थ वाला हिस्सा जो होगा वो साउथ वाले हिस्से के एकदम बराबर होगा, ठीक है। देयरफोर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट एनी प्लेस ऑन द अर्थ, ठीक है। इमेजिनरी लाइन तो है, सर्कुलर लाइन है, हमें पता है, देखो ये हमारा इक्वेटर है, देखो ये रहा, ये इक्वेटर जा रहा है, आपको दिख रहा होगा। अगर ये इक्वेटर है तो जो इक्वेटर है उसका काम क्या होता है, जो अर्थ को अर्थ का क्या इक्वेटर काम क्या होता है कि अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, समझ गया। अब इसका और क्या काम होता है, अगर मेरे को कोई लोकेशन डिपिक करना है, कोई लोकेशन पता करना है, मैं अपने दोस्त को बोलूँ कि चुन्नू ये बता भाई तू कहाँ रहता है, अगर मेरा दोस्त मेरे को रेफरेंस पॉइंट देगी यार चुन्नू भाई, मैं पूछूँ कि यार चुन्नू तू कहाँ रहता है भाई, चुन्नू मेरे को एक लोकेशन देगा जो कि डिग्री में होगा, ठीक है। ऐसे नहीं बताया कि मैं दिल्ली में हूँ, ऐसे नहीं बोल रहे कि भाई मैं तो दिल्ली में हूँ भाई, मौज है, खूब मौज है, ऐसे नहीं होगा ना, वो मेरे को एक कोऑर्डिनेट देगा, ठीक है, उस कोऑर्डिनेट को फॉलो करके मैं उसके पहुंच पाऊंगा। तो लिखा है कि ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, इक्वेटर से जितने भी पैरेलल पैरेलल है जितने भी लाइंस इक्वेटर के, वो क्या बोलेंगे हम, लैटिट्यूड्स। जितनी भी लाइंस इक्वेटर के पैरेलल्स है वो लैटिट्यूड्स होगा। आओ जरा मैं तुम्हें एक बार यहाँ समझाता हूँ अपने तरीके से, अपनी अपनी जगह पर, अपने मैप पे, ठीक, अपने मैप पे नहीं, अपने बोर्ड पे आओ। मान लेते हैं ये अर्थ है, ठीक है, थोड़ा सा बुरा सा है पर कोई दिक्कत नहीं, चल जाता है, लो बढ़िया सा बना दिया। देखो तो ये अर्थ है और ये मान लेते हैं इक्वेटर है, ठीक है। अब यहाँ से सारी जो लाइंस होगी जो इस इक्वेटर के पैरेलल होंगी, जितनी भी लाइन जो इस इक्वेटर के पैरेलल होंगी, इसको क्या बोलूंगा मैं, लैटिट्यूड्स या फिर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, है कि नहीं, या तो लैटिट्यूड बोलूंगा या पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोलूंगा, सिंपल इज दैट, है ना। और इसको मेजर किस में किया जाता है, डिग्री में। किस में मेजर किया जाता है, डिग्री में। तो जो इक्वेटर होगा, मतलब अगर ये अर्थ है और ये इक्वेटर है तो ये कितने डिग्री पे होगा, जीरो डिग्री पे, मतलब यहीं से चालू हो रहा है गिनती, जीरो से तो चालू होती है बेटा। देखो लिखा हुआ है द इक्वेटर रिप्रेजेंट द जीरो डिग्री लैटिट्यूड, इक्वेटर है वो जीरो डिग्री लैटिट्यूड को दिखाता है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर द पोल्स इज वन फोर्थ ऑफ द फोर्थ ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ। आओ जरा क्या लिखा है, लिखा है कि जो इक्वेटर है, ठीक है, वो जीरो डिग्री पे है और इसका जो डिस्टेंस है पोल्स से अगर मैं इसका डिस्टेंस देखूँ वो वन फोर्थ है। कैसे बोल रहा है, कैसे बोल दिया, क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा मेरे को। आओ जरा ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है। अब इमेजिन करो एक सर्कल, सर्कल का टोटल डिग्री कितना होता है, सो सर्कल में कितने डिग्रीज होते हैं, 360 डिग्रीज, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका जो इक्वेटर है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो पोल्स आइदर इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज वन फोर्थ ऑफ द सर्कल राउंड द अर्थ, ठीक है। तो बोल रहा है, ये बोल रहे हैं भाई साहब, बोल रहे हैं कि ये जो हमारा पोल्स से इक्वेटर की डिस्टेंस है वो वन फोर्थ है। कैसे, अगर मैं इसको चार भाग में बांट दूं तो कोई दिक्कत, अगर सर्कल में टोटल 360 डिग्री होते हैं तो चार से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, आ जाएगा। 90 डिग्री क्या होता है, 360 का वन फोर्थ होता है, होता है। तो ये बोल रहा है कि जो पोल से इक्वेटर की दूरी है वो वन फोर्थ है। तो जैसे अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, टोटल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। चलो लिखा हुआ है इट विल मेजर वन फोर्थ ऑफ द 360 डिग्री आई इन 90 डिग्री, दस 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क द 90 डिग्री पोल। देखो जो नॉर्थ पोल है वो क्या दिखाएगा, 90 डिग्री पोल, ठीक है। 90 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड्स मार्क द नॉर्थ पोल, 90 डिग्री नॉर्थ में जाओगे तो क्या मिलेगा, नॉर्थ पोल। 90 डिग्री साउथ में आ जाओगे तो क्या मिल जाएगा, साउथ पोल। सही है बेटा, समझ गए। आओ जरा आगे बढ़ते हैं।
एज सच ऑल पैरेलल्स ऑफ द इक्वेटर को नॉर्थ लैटिट्यूड्स, जितने भी पैरेलल्स लाइन होंगे जो नॉर्थ में जाएंगे, ठीक है, जो भी जितनी पैरेलल लाइंस है जो अगर ये अर्थ है, ये जितनी पैरेलल लाइंस है जो नॉर्थ में जाएंगे तो वो क्या बोलेंगे, नॉर्थ लैटिट्यूड्स, जो साउथ में जाएंगे वो साउथ लैटिट्यूड्स. द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड्स देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ. अगर मैं इनके वैल्यू की बात करूँ, कोई भी वैल्यू अगर 29 होगा तो 29 डिग्री नॉर्थ नहीं लिखूंगा, इसको सिंपली मैं रिप्लेस कर दूंगा एन से. एन डिपिक्ट करेगा इसको नॉर्थ को, ठीक है, और साउथ किसको डिपिक्ट करेगा, एस को. फॉर एग्जाम्पल चंद्रपुरा, एग्जाम्पल के लिए उदाहरण मान लो, एक काम करो उदाहरण ले लो तुम, तुम्हें भरोसा नहीं है ना भाई पे, तुम्हें अपने टीचर पे भरोसा नहीं है तो मैं क्या करूँ. एग्जाम्पल ले लेते चंद्रपुरा, चंद्रपुरा इन महाराष्ट्र एंड बेलो हॉरिजॉन्टो इन ब्राजील. चंद्रपुरा जो कि महाराष्ट्र में है और बेलो हॉरिजॉन्टो जो कि ब्राजील में साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में, याद रखना दोनों का जो लैटिट्यूड्स है वो है 20 डिग्री, ठीक है. आओ जरा, अब 20 डिग्री है, अगर ये अर्थ है, मैं बोलूँ कि यार एक काम करो दोनों इसको इक्वेटर है, कि यार जो चंद्रपुरा है और जो बेलो है, बेलो हॉरिजॉन्टो, वो दोनों 20 डिग्री है. आप 20 डिग्री किधर, 20 डिग्री लैटिट्यूड में, तो सर आपने बोल दिया 20 डिग्री लैटिट्यूड तो ऊपर भी आता है, 20 डिग्री लैटिट्यूड तो नीचे भी आता है, कौन से वाले में, ठीक है. तो इसके लिए हम उसका डायरेक्शन डायरेक्शन जो है वो शो करेंगे एज एस और एन, एस फॉर साउथ एन फॉर नॉर्थ. एस साउथ से या नॉर्थ से हम डिपिक्ट कर देंगे जो 20 डिग्री लैटिट्यूड है वो नॉर्थ में है कि साउथ में, ठीक है. तो जो चंद्रपुरा है वो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में, जो बेलो है वो 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में. तो जो बेलो होगा वो साउथ में मिलेगा और जो चंद्रपुरा है वो नॉर्थ में मिलेगा, है ना. देखो क्या लिखा है, एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ अ लैटिट्यूड डिक्रीज. देखो बड़ी प्यारी बात लिखी है, इसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, हाईलाइट करना चाहूंगा, बिल्कुल इसको मैं हाईलाइट कर दूंगा, बहुत प्यारी चीज लिखी है. लिखा है कि जैसे ही तुम इक्वेटर पे, इक्वेटर से दूर जाते हो, ठीक है, जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है ना वो डिक्रीज होना चालू कर देते हैं. सर क्या लिख रखा है इसने, आपकी बात तो थोड़ी बहुत समझ नहीं आ रही मेरे को, अब आ जाएगी समझ. देखो ये मान लेते अर्थ, थोड़ी बड़ी वाली अर्थ बना दी, इस पर कोई दिक्कत नहीं है. चलो आओ जरा, ये क्या है, ये क्या है बताओ, इक्वेटर. अब यहां से जो लाइंस है, देखो ये देखो छोटी होती जा रही, पहले इतनी बड़ी थी, फिर छोटी हो गई, फिर छोटी हो गई, फिर छोटी हो गई. तो क्या लिख रहा है कि इक्वेटर से जितना दूर तुम जाओगे जो लैटिट्यूड है वो छोटी होती जाएगी, है ना. सिंपल एज दैट, बहुत आसान है सर, समझा दिया आपने, मौज कर दिया आपने. तो आओ जरा, अब इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है. कुछ आपको ये चार्ट दिख रहा होगा, आओ जरा तुम लोगों को इस चार्ट से रूबरू करवा देते हैं थोड़ा सा. तो ये चार्ट से मैं रूबरू कराना चाहूंगा, जो कि मैं खुद बनाना चाहूंगा, ऑब्वियस सी बात है, मैं नहीं चाहूंगा कि मैं किसी दूसरे उस पर डिपेंडेंट रहूं, ठीक है. तो आओ मान लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, अर्थ पे एक इक्वेटर होगा, ठीक है. अब इक्वेटर के बाद क्या दे रखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. अभी रुक जाओ, रुक जाओ, डरना नहीं है, डरना नहीं है सर, ये क्या बता रहा, रुक जाओ, डरना नहीं है, रुको रुको रुको, मैं आपको वहीं पे लेके चलता हूँ, फिर मैं बनाऊंगा बाद में ताकि तुम लोग फिर कंफ्यूज ना हो. देखो ये है अपना अर्थ, ठीक है, यहाँ पे ये क्या, इक्वेटर. डरना नहीं है, ये सब भूल जाओ, मैं क्या समझा रहा हूँ, सब भूल जाओ, अभी मैं समझाऊंगा सब समझ आएगा, एक एक करके सब आंखें खुलेगी अभी तुम्हारी, इसको भूल जाओ, कुछ भी है भूल जाओ, ठीक है. देखो इक्वेटर से आप 20 डिग्री 1/2 डिग्री आप नॉर्थ में जाओगे तो आपको एक और लाइन मिलेगी, ये याद रखो. इक्वेटर से अगर आप नॉर्थ में जाओगे 23.5 डिग्री नॉर्थ में तो आपको एक लाइन मिलेगी जिसका नाम होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है. अभी कुछ नहीं पता, जो मैं बता रहा हूँ बेटा वो सुनना है बस, कुछ अगर और सोचोगे तो भूल जाओगे, ठीक है. उसके बाद नीचे अगर साउथ में आओगे तो 23 डिग्री 1/2
23 1/2 डिग्री साउथ में मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉन। देखो दोनों का जो लैटिट्यूड्स है वो सेम है, बस डायरेक्शन चेंज है, एक नॉर्थ में है एक साउथ में है। तो जो नॉर्थ वाला है वो कैंसर है, कैंसर है, जो साउथ वाला है वो कैप्रिकॉन है। सिंपल एज दैट, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, अब इसके और ऊपर जाते हैं। अब 0 डिग्री से 66 1/2 डिग्री नॉर्थ में जाओगे तो आपको मिलेगा एक और लाइन जिसका नाम है आर्कटिक सर्कल। ठीक है, फिर सेम डिग्री लैटिट्यूड, बस डायरेक्शन अलग, आपको मिल जाएगा अंटार्कटिक सर्कल। देखो आपको कुछ याद नहीं करना, बस दो नंबर्स याद करो, 23 1/2 डिग्री और 66 1/2 डिग्री। अब दोनों का डायरेक्शन निकाल दो, जो नॉर्थ में है 23/1 डिग्री नॉर्थ में है वो कैंसर हो जाएगा, जो साउथ में है वो कैप्रिकॉन हो जाएगा। सेम टू सेम 66 1/2 डिग्री जो नॉर्थ में है वो आर्कटिक सर्कल हो जाएगा, जो साउथ में है वो अंटार्कटिक सर्कल हो जाएगा। समझ गए? वही चीजें यहां पे लिख के दे रखी है आपको। ठीक है, तो डरना नहीं है, याद भी हो गई होगी मेरे को तो लग रहा है, एक बार लिख लो तो याद हो जाएगी। लिख रहा है कि बिसाइड द इक्वेटर द नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंड द साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, फोर इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। 90 डिग्री अगर आप पोल पे जाओगे, मैंने बोला जो पोल है पोल का मार्किंग कितना होता है 90 डिग्री, भाई बताया था मैंने ऊपर की अगर अर्थ है, अर्थ जो है वो इक्वेटर से पोल तक की जो मेजरमेंट है वो 1/4 है, मतलब जो पोल वो 90 डिग्री का होगा, है ना, है ना। तो लिखा है कि अगर आप 23 1/2 डिग्री नॉर्थ में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, नॉर्थ में है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, है ना। अब आप कैप्रिकॉन अगर आप साउथ में जाओगे, सेम डिग्री 23/1 डिग्री साउथ में आओगे तो आपको कैप्रिकॉन मिल जाएगा। साउथ में है तो क्या हो गया, साउदर्न हेमिस्फीयर, है ना। अब आओ 66 1/2 डिग्री नॉर्थ में चलते हैं, नॉर्थ में क्या था, आर्कटिक सर्कल। ठीक है, इसमें कोई भी हेमिस्फीयर याद नहीं करना, आर्कटिक सर्कल याद करो। उसके बाद सेम टू सेम 66 1/2 डिग्री साउथ में आओगे तो क्या मिलेगा आपको, अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आओ जरा, अब ये सर क्यों दे रखा हमें, और सर ये सब क्या है, ये मतलब ये टॉरिड जोन क्या है, टेम्परेट जोन क्या है, फ्रिजिड जोन क्या है? सर बेटा इनको बोला जाता है हीट जोन्स। क्या बोला जाता है? हीट जोन्स। ठीक है, जो भी कंट्रीज इस टॉरिड जोन के अंदर मिलेगी, जो भी कंट्रीज इस टॉरिड जोन पे मिलेगी उसमें उन कंट्री में साल में एक दिन ऐसा होगा जिस दिन जो सूरज है वो इनका एकदम इनके सिर के ऊपर होगा। बस ये समझ गए, टॉरिड जोन में क्या है, टॉरिड जोन वो जोन है जिसमें साल में एक दिन सूरज इनके सर के ऊपर होगा, जो भी कंट्री इसके अंदर आएगी। टेम्परेट जोन क्या है, टेम्परेट जोन में कभी भी सूरज जो है वो सिर के ऊपर नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, ये समझाऊंगा मैं अभी, नेक्स्ट जो आप पन्ने पे आओगे तो एक समझाऊंगा मैं आपको, टेंशन ना लो। उसके बाद है फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन में जो सन है वो होराइजन से ही राइज होगा, होराइजन में ही सेट हो जाएगा। अब सर होराइजन क्या होता है बेटा, तुम सूरज डूबते हुए देखा है, समझ रहे हो, तो वहीं से उगता और वहीं डूब जाता है। मतलब कि अगर ये आपका छत है और यहाँ सूरज डूब रहा है तो यहीं से उगा होगा और यहीं पे जाके इधर डूब गया होगा, है ना। सो बोला था होराइजन में ही राइज होता है और होराइजन में डूब जाता है। तो जहाँ पे सन और जो एंडिंग पॉइंट है, अभी समझाऊंगा। वैसे जैसे तुम समुद्र के तट पे जाते हो, समुद्र के तट पे देखते हो कि समुद्र है, सूरज से मिल चुका है, जहां पे सूरज समुद्र से मिल रहा है उसी प्लेस को बोलते हैं होराइजन। ठीक है, आओ जरा। अब हीट जोन्स ऑफ द अर्थ क्या है, ये टॉरिड जोन और टेम्परेट जोन मैंने बताया था ना। देखो हीट जोन में, ये टॉरिड जोन में क्या होता है, देखो ये सूरज है, ये हमारा अर्थ का सरफेस है, सूरज की लाइट जब सीधे अर्थ के सरफेस पे पड़ती है, ठीक है, उस जोन को बोला जाता है टॉरिड जोन। ठीक है, जिस जोन में सन की लाइट
सन की लाइट थोड़ा सा टिल्ट हो जाती है, स्लैंटेड हो जाती है, उस वाले जोन को बोलते हैं टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन बोलते हैं, समझ गए। आओ जरा ऊपर चल रहे हैं। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर हेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दिस एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट इज कॉल्ड टॉरिड जोन। आई मैंने बताया साल में एक दिन, जिस दिन मिड डे में, जब मिड डे में सूरज होगा वो एकदम तुम्हारे सर के ऊपर होगा, ठीक है, और वो एरिया कौन सा है, एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, है ना, इन दोनों के बीच का जो एरिया होगा। ऊपर चलूं अगर मैं दिखाऊं तुम्हें इस वाले डायग्राम में, तो इस वाले बीच का जो एरिया होगा उसमें साल में एक दिन ऐसा होगा जब सूरज एकदम इनके सिर के ऊपर होगा। याद रखना बेटा, सूरज होगा एकदम इनके सिर के ऊपर होगा, ठीक है। आओ जरा आगे बढ़ते हैं। टेम्परेट जोन क्या होता है, तो टेम्परेट जोन क्या होता है, तो लिखा है द मिड डे सन नेवर शाइंस ओवर हेड ऑन एनी लैटिट्यूड्स बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर वाली जितने भी लैटिट्यूड्स है उनमें कभी भी सूरज जो है डायरेक्ट उनके सिर के ऊपर नहीं होगा। मतलब कि डायरेक्ट इनके सूर्य के ऊपर लाइक ऐसा नहीं होगा जैसे ये दिख रहा है, ये सन है और ये सरफेस है, तो ऐसा कभी नहीं होगा, वो ऐसा होगा स्लैंटेड सा होगा, थोड़ा सा टिल्ट होगा, समझ गए। द मिड डे सन नेवर शाइंस ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड्स बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। द एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड द पोल। सूरज का जो एंगल है, जैसे मैंने सूरज की लाइट है, सूरज की लाइट जो है वो टिल्ट होते जाएगी पोल्स की तरफ, ज्यादा से ज्यादा झुकते हुए जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी। एज सच द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड द अंटार्कटिक सर्कल साउदर्न हेमिस्फीयर हैव मॉडरेट टेम्परेचर। आओ जरा ऊपर ले चलता हूँ। इतनी सारी बातें बोल दी इन्होंने, क्या बोल दी सर इन्होंने, बस ये बोला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच वाला एरिया, अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच वाला जो एरिया है, ठीक है, वहां पे जो टेम्परेचर होगा वो मॉडरेट होगा। क्या होगा टेम्परेचर, मॉडरेट होगा, इसीलिए इसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। और नॉर्थ में है तो नॉर्थ टेम्परेट जोन बोलेंगे, साउथ में है तो साउथ टेम्परेट जोन बोलेंगे। इज इट सिंपल और नॉट, जल्दी बताओ, इज इट सिंपल और नॉट, आसान था, वेरी गुड। वेरी गुड सर, बहुत आसान था। आगे चलते हैं, आगे इसके बाद आता है फ्रिजिड जोन। क्या आता है फ्रिजिड जोन, प्रोनाउंशिएट करेक्टली, फ्रिजिड जोन। तो एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मिलता है, और अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल, ठीक है, आर वेरी कोल्ड, ठीक है। इट इज बिकॉज हेयर द सन डज नॉट राइज much above the horizon, therefore its rays are always slanting and provides less heat. These are therefore called frigid zone. Yep. और ये frigid zone का मतलब क्या होता है, very cold. अब आओ जरा ऊपर चलते हैं, फिर से समझाओ क्या कह रहा है ये। आओ जरा लिख रहा है, जो area है between Arctic Circle और North Pole का और Antarctic Circle और South Pole का, उसको बोला जाता है frigid zone। एरिया जो कि आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का है उसको बोला जाता है फ्रिजिड जोन। क्या बोला जाता है, फ्रिजिड जोन, ठीक है। और यहाँ पे जो सन है, सन की रेज एकदम प्रॉपरली कभी नहीं पड़ती, ठीक है, वो होराइजन तक ही रहती है। मतलब कि अगर समुद्र है और समुद्र देखोगे कि जब समुद्र ढल रहा होता है सूरज, वैसे टाइप का सूरज उगता है और वैसे टाइप में ही ढल जाता है ना, तो होराइजन में ही राइज होता है, होराइजन में ही सेट हो जाता है। तो अगर सूरज तुम्हारे ऊपर ही नहीं आ रहा, तुम्हारे शरीर को और पड़ ही नहीं रहा सूरज की रोशनी, तो उस जगह पे तो ठंड होगी, ऑब्वियस ही बात है, तो उस जगह पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना। इसी को अपने वर्ड्स में लिखा इन्होंने,
कि एरियाज लाइक बिटवीन आर्टिक सर्कल, आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच वाले में जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलता है, ठीक है, और अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में है वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, क्योंकि जो सन है, सन जो है वो सन की रोशनी जो अच्छे से नहीं पहुंच पाती, देयर फोर रेज ऑलवेज स्लैंटिंग प्रोवाइड्स लेस हीट, रे जो होते हैं वो स्लैंटिंग होती है और लेस हीट प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से जो एरिया हो जाता है उसको बोल जाता है फ्रिजिड जोन, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं अर्थ पे, और ये भी इमेजिनरी लाइन है काइंडली रिमेंबर, ठीक है, जो लाइंस होती हैं, ठीक है, जो वर्टिकल लाइंस होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है जो अर्थ पे, उसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। अब एक सिर्फ मैंने लैटिट्यूड जान लिया, हमने अभी लैटिट्यूड पढ़ा और मैंने बताया कि 20 डिग्री नॉर्थ में है, 20 डिग्री नॉर्थ में है समवेयर, ठीक है। अब 20 डिग्री नॉर्थ में देखो तो ये पूरा एरिया जो होगा 20 डिग्री नॉर्थ का हो जाएगा। अब मैं कहां कहां खोजूंगा उस जगह को, है ना। तो जो नॉलेज हमें मिली है किसी भी एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए वो अभी तक पूरी नहीं मिली हमें, हमें एक और कोऑर्डिनेट चाहिए जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सके एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी प्लेस। किसी भी प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए मेरे को एक और कोऑर्डिनेट चाहिए, उसको मैं बोलूंगा लॉन्गिट्यूड। क्या बोलूंगा? लॉन्गिट्यूड। ओके, आओ जरा लॉन्गिट्यूड क्या होता है। टू फिक्स द पोजिशन ऑफ अ प्लेस इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल सुनो, मैंने बोला ना कोई भी अगर प्लेस है जिसको अगर मैं बोलूँ कि इस डिग्री लैटिट्यूड में है, बस मैं बोलूँ 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है, तो एक हाफ इंफॉर्मेशन हो जाएगी किसी भी प्लेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो लिखा है कि यू एग्जाम्पल के लिए टोंगा आइलैंड है जो कि पैसिफिक ओशन में लोकेट करता है, और मॉरिशियस आइलैंड है जो कि इंडियन ओशन में लोकेट करता है। दोनों का जो लैटिट्यूड है वो सेम है, दोनों का जो लैटिट्यूड है वो सेम है। अब इनको एग्जैक्टली खोजने के लिए, ठीक है, देखो ये तो नॉर्थ और साउथ हमें मिल गया, हमें ईस्ट और वेस्ट भी तो पता होना चाहिए कि कितने वेस्ट, कौन से ईस्ट में है, कौन सा वेस्ट में है, है ना। देखो जो लैटिट्यूड होता है वो तो नॉर्थ और साउथ दिखाता है, हमें वेस्ट और ईस्ट की भी तो नॉलेज चाहिए, जब भी तो हम एग्जैक्टली डिपिक कर पाए कोई भी चीज़ को, कोई भी लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट प्लेसेज आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। अब 20 डिग्री साउथ से कितना वेस्ट में है और कितना वेस्ट ईस्ट में इनकी दूरी है वो भी तो बताना जरूरी होगा, ठीक है। दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड मेरेडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो जो ये रेफरेंस लाइन होगा जो हमें मिलेगा उसे बोला जाएगा मेरेडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। क्या बोला जाएगा? मेरेडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब जैसे कि लैटिट्यूड है, तो लैटिट्यूड कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास है कि ऐसी लाइन जो अर्थ को पूरी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है वो इक्वेटर है, और उसी को हम रेफरेंस मान के सभी लैटिट्यूड्स को मार्क करेंगे, लेकिन लॉन्गिट्यूड में ऐसा नहीं था। लॉन्गिट्यूड में हमने खुद, ठीक है, सारी कंट्रीज ने उसको एक्सेप्ट किया एक पर्टिकुलर प्लेस को कि यहीं से जो लॉन्गिट्यूड है वो मेजर किया जाएगा, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। हमें पता है कि दो लॉन्गिट्यूड के बीच की डिग्री को, दो लॉन्गिट्यूड के बीच के डिस्टेंस को हम डिग्री में मेजर करेंगे, जैसे कि हम लोग दो लैटिट्यूड के बीच की डिस्टेंस को हम डिग्री में मेजर कर रहे थे। ईच डिग्री, और हर एक डिग्री जो होगा वो फर्दर मिनट और मिनट से सेकेंड में डिवाइड होगा, है ना। दे आर सेमी सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम डिक्रीजेज स्टेडली पोलवर्ड्स अंटिल इट बिकम्स जीरो एट द नॉर्थ पोल व्हेन ऑल मेरिडियंस मीट। लिखा है कि इनकी जो इनकी द डिस्टेंस बिटवीन दैम डिक्रीजेज स्टेडली पोलवर्ड्स, पोल की तरफ जब ये जाते हैं तो इनकी डिस्टेंस जो है वो कम होती रहती है। आओ जरा देखो, अगर ये लाइन है ये यहाँ से चालू हुआ, ठीक है, अगर यहाँ से चालू हुआ तो इसकी जो ये देखो पोल की तरफ जाते आते आते थे इनके बीच का डिस्टेंस है ये जो दो 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 मेरिडियन लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होते जा रहा है, ठीक है।
है ना, मेरिडियन डिस्क्री, इनके बीच के डिस्टेंस है वो कम होते जा रहा है ना। है कि नहीं? दे आर सेमी सर्कल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टेडली प्रोवर्ड्स टुवर्ड्स स्टेडली पोलवर्ड्स अंटिल इट बिकम जीरो एट द पोल्स व्हेन ऑल द मेरिडियंस मीट। ऑल द मेरिडियंस मीट, तो जहाँ पे सारे मेरिडियंस मिलते हैं वो बोलते हैं उसको पोल, और पोल पे जो मेजर होता है वो 0 डिग्री का होता है, याद रखना, पोल पे जो मेजर होता है वो 0 डिग्री का होता है, ठीक है, पोल पे जो मेजर होता है वो 0 डिग्री। सो मैंने ये बताया कि जो मेरिडियंस है उन पे, मेरिडियंस है जहाँ पे सारे लॉन्गिट्यूड्स मिलते हैं उस, वहाँ पे जो मार्क होता है वो 0 डिग्री का होता है ना। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। जैसे कि हम, मैंने बताया कि जो लैटिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड्स था उसकी जो लेंथ है, उसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज होते जा रही थी, जितने हम पोल पे जा रहे थे उनकी जो लेंथ है वो कम होती जा रही थी, लेकिन लॉन्गिट्यूड में ऐसा नहीं है, लॉन्गिट्यूड में जो लेंथ है वो सेम रहेगी, ठीक है। दस इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, हेंस ऑल कंट्री डिसाइडेड, देखो हमें पता ही था कि किसको मेरिडियन लिया जाए, तो ऑल कंट्री डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास्ड थ्रू द ग्रीनविच, ठीक है, जहां पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, और ग्रीनविच कहां पे है बेटा, लंदन, ठीक है। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। देखो हमें ये तो पता है, हमें ये पता है कि जो साई लाइन है वो मेरिडियन है, ठीक है, ये साई लाइन है वो मेरिडियन है, ठीक है, लेकिन एक सेंटर होना चाहिए जहां से हम इन सारे मेरिडियन, जहां से सारे मेरिडियन को हम मेजर करें, तो हमने माना कि वो सेंटर जो है वो ग्रीनविच से होकर गुजरता है, वो सेंटर जो है वो ग्रीनविच से होकर गुजरता है, उसको हम मानेंगे क्या, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, और उसका मेजर हमने कितना रख दिया, उसका मेजर क्या रखा गया, 0 डिग्री, ठीक है। इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड 180 डिग्री वेस्टवर्ड। और अगर हम, आओ जरा इधर समझाऊं तुम्हें, अगर अगर ये प्राइम मेरिडियन है और ये सारे मेरिडियंस हैं, ठीक है, ये मेरिडियंस है, आओ जरा देखो, ये तो हमारा क्या हो गया, प्राइम मेरिडियन, ठीक है, प्राइम मेरिडियन कहां से पास होता है, ग्रीनविच से, ग्रीनविच से पास होता है। अब देखो इसके इधर में, वेस्ट में और इसके ईस्ट में 180 डिग्री, 180 ऐसी सेम लाइंस है, 180 लाइंस है, और इधर भी 180 लाइंस है, क्योंकि मैंने बोला ना कि सर्कल है उसके कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री, तो 180 डिग्री वेस्ट, 180 डिग्री ईस्ट, कितना हो जाएगा टोटल, 360 डिग्री, है ना। तो 360 डिग्री हमें मेजर करना था, तो हमने एक वेस्ट में ले लिया 180 डिग्री और 180 डिग्री ईस्ट में ले लिया, इसका मतलब जो प्राइम मेरिडियन है वो इस 360 डिग्री का मिड पॉइंट है, ठीक है, ये 360 डिग्री का वो 360 डिग्री को बीच में से बाइफरकेट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि ये जो है वो सेंटर है मेरिडियंस का। हाँ सर, तो वेरी गुड, समझ गए मतलब, है ना। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री, देखो द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल भाग। अब मेरे को बताया था इक्वेटर जो है, जैसे इक्वेटर है वो अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, वैसे जो प्राइम मेरिडियन होगा, मैंने क्या बोला, प्राइम मेरिडियन होगा वो बाइफरकेट कर देगा अर्थ को दो पार्ट में, एक नॉर्थ एक वेस्ट वाला पार्ट हो जाएगा, एक साउथ वाला एक ईस्ट वाला पार्ट हो जाएगा। देखो अब मैं कहना क्या चाह रहा है, ये लाइन, ये पॉइंट कहना क्या चाह रहा है कि अर्थ है, ये इक्वेटर है, तो ये तो नॉर्थ और साउथ को डिवाइड कर रहा है, और ये अगर प्राइम मेरिडियन है तो ये वेस्ट और ईस्ट पार्ट में डिवाइड कर रहा है अर्थ को, इक्वल इक्वल हाफ्स में, ठीक है, मतलब अगर काट दो यहाँ से, अगर मैं इक्वेटर है, इक्वेटर से मैंने मार दी लाइन, ठीक है, तो वो नॉर्थ बिल्कुल बराबर होगा साउथ के, ठीक है, वैसे ये अगर वेस्ट जो होगा वो बराबर हो जाएगा
ईस्ट के, अगर मैं इसको काट दूंगा तो। ठीक है आओ जरा, नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस, मेरिडियंस ऑफ अ लॉन्गिट्यूड ऑफ द ग्लोब, यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजिली इफ यू नो इट्स लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। देखो अब यहाँ पे देखो, हमें दोनों चीजें रखा है, ये तो हमारा प्राइम मेरिडियन है, ये लॉन्गिट्यूड्स है और ये लैटिट्यूड्स है, दे रखा है। अब कोई भी लोकेशन मेरे को मार्क करना है, अब मेरे लिए ज्यादा वो प्रिसाइजली मैं उसको मार्क कर सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि मैं रहता हूँ डुबरी आसाम में, मैं रहता हूँ डुबरी आसाम में, ठीक है डुबरी में रहता हूँ, और मेरे जो लैटिट्यूड्स है वो है 26 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री ईस्ट। ठीक है 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, ठीक है, और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, तो तुम डुबरी पहुंच जाओगे, है ना। जब आप कंपास का यूज करते हो तो कंपास में भी क्या डिग्री में दिखाता है बेटा, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल डुबरी वाला बता दिया मैंने, फाइंड आउट पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स कट ईच अदर, डेट पॉइंट विल बी लोकेशन ऑफ डुबरी। देखो ऐसा पॉइंट जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है, मतलब ऐसा पॉइंट होगा जहां पे 20 डिग्री 90 डिग्री ईस्ट की तरफ जा रहा होगा, और ये 20 डिग्री और ये 26 डिग्री नॉर्थ में, तो जहां पे दोनों काटेंगे तो वहीं पे क्या होगा, डुबरी होगा, है ना। जैसे कि ये वाला पॉइंट है तो डुबरी क्या, अगर मान लेते हैं ये 26 डिग्री है, सॉरी मान लेते हैं ये 26 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो डुबरी कहाँ पे होगा, यहाँ पर, ये 25 होगा, ये 24 होगा, ये 27 होगा। आओ जरा फिर से दिखाऊं, अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं अगर चले जाऊं तुम लोगों के लिए बोर्ड पे, तो ये क्या है, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। अब मेरे को डुबरी का लोकेशन बताना है, डुबरी का था 26 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री, 90 डिग्री ईस्ट। आओ जरा, ये है क्या 24, 25, 26, 27, 90, सॉरी हाँ 90, 91, 92, तो डुबरी होगा वो कहाँ मिलेगा, 26 डिग्री और ये 90। देखो ये रहा, ये ईस्ट में हमारा 90 जो है ईस्ट साइड में है ना, और जो 26 डिग्री है वो नॉर्थ, तो ये रहा, ये हमारा एग्जैक्ट लोकेशन किसका होगा, डुबरी का होगा ना। तो ऐसे ही हम किसी भी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन हम बता सकते हैं किसी भी दूसरे व्यक्ति को, है ना। जहां पे ये देखो जैसे ये समझा रखा है इन्होंने यहाँ पे, ठीक है, तो ये है तो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये मैंने समझा दिया आपको, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखो ये है क्या, ये टाइम जोन। अब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हम टाइम भी डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे, तो ये मैं आगे नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, पहले उसको पढ़ूंगा उसके बाद मैं तुम लोगों को समझाऊंगा। देखो लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, लॉन्गिट्यूड से कैसे टाइम, टाइम का क्या कनेक्शन है, तो ये था टाइम जो है वो कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, अर्थ के मूवमेंट से, ठीक है, अर्थ जैसे मूव करेगी, जैसे जैसे सन की रेस पड़ेंगी वैसे वैसे हम लोग टाइम को मेजर करेंगे। मतलब कि जब सन की रेज डायरेक्टली हमारे सिर के ऊपर होंगी, जब एकदम परपेंडिकुलर होंगी, तो हम क्या बोलेंगे कि नून हो रहा है, दोपहर हो रहा है ना। जब जो हमारी शैडो है, ठीक है, सॉरी 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 वेट 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 सॉरी सॉरी जब हमारे हमारे लाइट पड़ती है और हमारी जो शैडो गायब हो जाएगी, तो हम बोलेंगे कि अब दोपहर हो रही है, एकदम क्या एग्जैक्ट 12 बज चुके हैं, ठीक है। जब हमारी शैडो लंबी होने लगेगी, ठीक है, ये आदमी है, इसकी शैडो जब लंबी दिखने लगेगी ऑन द सरफेस ऑफ ग्राउंड, तो हम बोलेंगे या तो इवनिंग हो रहा है या मॉर्निंग हो रहा है ना। बट हम एग्जैक्ट लोकेट नहीं कर पाएंगे टाइम एग्जैक्ट क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज द मेजरिंग मूवमेंट ऑफ इज द मूवमेंट मूवमेंट ऑफ द अर्थ द मून एंड द प्लैनेट्स। द सन रेगुलरली राइज एंड सेट्स एवरी डे नेचुरली, इट इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। लोकल टाइम कैन बी रेकंड बाय द शेडो कास्ट बाय द सन विच इज द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट द सनराइज। सबसे छोटा कहाँ पे होगा, नून पे, और सबसे छोटा मतलब क्या होता है, एकदम पॉइंट दिखे ही ना, है ना। जब सबसे लॉन्गेस्ट होगा तो या तो सनराइज हो रहा होगा या सनसेट हो रहा होगा। लिखा है व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज द सन एट द हाइएस्ट पॉइंट इन द स्काई ऑल द प्लेसेस अलोंग द मेरिडियन विल हैव द मिड डे और नून। तो मान के चलते हैं
ये हमारा प्राइम मेरिडियन है। तो जितनी भी कंट्री इसके लाइन में आएंगी, इसके अलोंग आएगी, वो सारे के अंदर क्या होगा, अगर प्राइम मेरिडियन पे 12 बज रहा है, सॉरी अगर प्राइम मेरिडियन में 12 बज रहा है, तो सारे जो इसके अलोंग जितनी भी कंट्रीज होंगी उसके ऊपर भी 12 बज रहे होंगे, है ना। जितने जितनी कंट्रीज इस प्राइम मेरिडियन के अलोंग होगी वहां पर भी कितना बज रहा होगा, 12 बज रहा होगा, है ना। एट द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मैंने बताया कि जो अर्थ है वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। जो प्लेसेस देखो, अगर ये प्राइम मेरिडियन है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो जो कंट्रीज ईस्ट में होंगी और जो कंट्रीज वेस्ट में होंगी उनके बीच टाइप का डिफरेंस होगा, है ना। तो जो ईस्ट में होंगी वो प्लस में होंगी और जो वेस्ट में होंगी माइनस में होंगी। अगर आप मान लेते कि 12 बज रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बज रहा होगा, अभी 1 बज रहा होगा, तो यहाँ पे कितना बज रहा होगा, अभी 11 बज रहा होगा। मतलब जो वेस्ट में जो कंट्रीज होंगी वो प्राइम मेरिडियन से पीछे होंगी और जो ईस्ट की कंट्रीज होगी ईस्ट की तरफ की वो सारी क्या होंगी, आगे होंगी प्राइम मेरिडियन से। यही चीज यहाँ लिख रखा है, विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड डोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। जो वेस्ट में होंगी वो पीछे होंगी, जो ईस्ट में होंगी वो उसका टाइम क्या होगा, आगे होगा। द रेट ऑफ डिफरेंसिस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, द अर्थ हैज रोटेट 360 डिग्री इन अबाउट 26 आवर। हमें पता है कि भाई जो अर्थ है वो एक दिन में 26 आवर में 360 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। तो 26 डिग्री में 24 आवर में एक घंटे 24 आवर में जब 360 रिवॉल्व कर 360 डिग्री घूम जाती है तो एक घंटे में कितना घूमेगी, 360 अपॉन 24, 15 डिग्री घूमेगी क्या, कितने घूमेगी, 15 डिग्री घूमेगी बेटा बताओ, है ना। अब एक घंटे में 15 डिग्री घूम रही है, ठीक है, एक घंटे में 15 डिग्री घूम रही है, तो एक मिनट में कितना घूमेगी, एक मिनट में कितना घूमेगी, तो एक मिनट में 4 डिग्री, 15 चौके 60 बेटा, 60 से भाग कर दो ना, एक घंटे में कितना होता है 60 मिनट और एक घंटे में कितना होता है 15 मिनट, 15 डिग्री, तो एक मिनट में कितना होगा 4 डिग्री, ठीक है। तो एक डिग्री में चार, एक डिग्री है, अगर एक डिग्री मूव कर रही है तो वो 4 मिनट आगे बढ़ गई, ठीक है। अगर 15 डिग्री आगे बढ़ गया तो मतलब एक घंटा, है ना। वही चीज़ यह लिखा है, 15 मिनट अगर ईस्ट में है ग्रीनविच के, 15 डिग्री ईस्ट में, अगर मान लेते हैं ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, यहाँ 12 बज रहा है, तो इसके 15 डिग्री में, 15 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम हो रहा होगा, तो 15 डिग्री ईस्ट में मतलब 15 डिग्री मतलब मैंने बताया कि एक घंटा होता है, तो 15 डिग्री मतलब एक घंटा, तो मतलब 12 प्लस 1 मतलब कि 1 बज रहा होगा, 13 बज रहा होगा मतलब, पर 1 बज रहा होगा एग्जैक्ट, है ना। अगर 15 डिग्री इधर वेस्ट में है तो क्या हो जाएगा, 12 में से एक घंटा घटा दोगे 11 बज रहा होगा, है ना। एट एनी प्लेस वॉच एंड कैन बी एडजस्टेड क्लॉक, द सन इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द टाइम, व्हेन इट इज द मिडडे टाइम शोन बाय द वॉच विल गिव अ लोकल टाइम ऑफ दैट प्लेस, यू कैन सी दैट ऑल द प्लेसेस ऑन अ गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गेस्ट हैव द लोकल टाइम। देखो जितने भी प्लेसेज होंगे जो कि मेरिडियन के अलोंग होंगे वहां पे सब लोकल टाइम ही यूज करेंगे ना लोग, है ना। अब हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम जोन क्यों है, स्टैंडर्ड टाइम जोन क्यों है, तो देखो मान ले ये गुजरात है, ये अरुणाचल प्रदेश है, गुजरात के इस साइड में 268 डिग्री ईस्ट में है और ये 97 डिग्री ईस्ट में है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना है बताओ, दोनों का डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री अप्रोक्स है, ठीक है। और एक डिग्री में कितने का डिफरेंस होगा, एक घंटे में, एक घंटे का कितना डिफरेंस होगा, एक घंटे में 15 डिग्री, तो 30 डिग्री मतलब 2 घंटे, ठीक है। तो 2 घंटे का डिफरेंस होना हमारे टाइम जोन में, वो भी इंडिया में रहकर, ये तो कायदा नहीं बनता ना। तो हम एक स्टैंडर्ड टाइम जोन सेट करते हैं जिसको बोला जाता है लोकल टाइम, मतलब लोकल टाइम मतलब कि यही वाला टाइम जो है वो पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में माना जाएगा, ठीक है। अब आपको ये सवाल भी पूछा जाता था बचपन में कि बताओ कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में सूरज उगने में कितना देर का देरी है, तो 2 घंटे का सर, है ना। इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी डिफरेंस ऑफ 1 आवर 45 मिनट्स इन द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ और द्वारका के बीच में 1 घंटे 45 मिनट की टाइम की दूरी है। मतलब कि अगर यहाँ पे 12 बज रहा होगा, अगर मान लेते हैं कि द्वारका में 12 बज रहा है, तो डिब्रूगढ़ में 1 बज के 45 मिनट हो रहे होंगे, 1 घंटे 45 मिनट की दूरी है, ठीक है।
45 मिनट का डिफरेंस है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, हम एक स्टैंडर्ड टाइम जोन सेट कर देते हैं जिसके हिसाब से हम हर जगह जो टाइम होगा, हर जगह जो ऑल ओवर इंडिया है वो टाइम होगा सेम होगा। तो हमने सेट किया कि 82 डिग्री ईस्ट, हमने क्या माना कि 82 1/2 डिग्री ईस्ट में ईस्ट के जो टाइम जोन होगा उसी को ही हम स्टैंडर्ड टाइम जोन मानेंगे। मतलब जो टाइम 82 1/2 डिग्री ईस्ट में हो रहा होगा वही टाइम हम पूरे ऑल ओवर इंडिया को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या ये एग्जैक्ट है, क्या वो सेम है, क्या ये सही है? तो नहीं, क्या ये सेम है तो नहीं बेटा। जो एग्जैक्ट टाइम होगा वो तो इस वाले एरिया में जितनी भी स्टेट्स होंगे उनका सेम होगा ना। मतलब जितने भी एरियाज होंगे जो कि इस 82 1/2 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में मिलेंगे, सिर्फ वहीं पे जो टाइम होगा वो सही होगा, ठीक है। बाकी जो इधर का टाइम होगा वो तो अलग होगा ना, लेकिन हमने एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया कि जो टाइम यहाँ पे होगा वही टाइम आपको यहाँ भी मानना पड़ेगा, है ना। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम कि भाई अगर यहाँ पे 5 बज रहे हैं तो हर जगह 5 ही बजने चाहिए, ये नहीं कहीं 6 बज रहे हैं कहीं 7 बज रहा है, समझ गए। इसको बोला जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इट इसको इसको ऐसे ही बोलता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो आपको बोल दे कि IST बताओ कितना है, तो वो क्या है 82 1/2 डिग्री ईस्ट, ठीक है। ये हमारा IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो इसके बाद बेटा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है। IAS थोड़ा एक लेक्चर है, थोड़ी एक बार बता रखी है, जिसमें बताया कि एक लड़का है कबीर, वो एक छोटे से गांव में रहता है भोपाल के, उसका फ्रेंड है उसको मैच देखना है। जो मैच है वो लंदन में हो रहा है और लंदन में 7:30 बजे मैच चालू होगा, ठीक है। अरे यार, इंडिया में 7:30 बजे मैच चालू होगा, जो लंदन में वो 2 बजे ही मैच चालू हो गया दोपहर के अंदर, ठीक है। तो जो टाइम डिफरेंस है वो कितने का है, 5.5 घंटे का, है ना। तो 5.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है, ये दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि टाइम जोन्स की वजह से जो टाइम डिफरेंस है ना, उसको हम देख पाते हैं कि देखो वहां पे तो 2 बजे मैच चालू हो रहा है लेकिन यहाँ पे 7:30 बजे। मतलब अगर वहां पे मैच 5 बजे खत्म होता है तो यहाँ पे कितने बजे खत्म होगा, 10:30 बजे, है ना। तो टाइम डिफरेंस दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि भाई लॉन्गिट्यूड जो है वो कितना असरदार है अगर टाइम के हिसाब से देखा जाए, ठीक है। तो कुछ कंट्रीज हैं जो जिनका जो लैंड है इतना बड़ा है कि सिर्फ हम एक स्टैंडर्ड टाइम जोन से कुछ नहीं हुआ, कि अगर हमने एक स्टैंडर्ड टाइम जोन लगा दिया और हर जगह मानना पड़े तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम रसिया में चले जाएँ तो रसिया का जो लैंड है जो भूमि है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसीलिए रसिया में कितने टाइम जोन है, बेटा रसिया में 11 टाइम जोन्स हैं, ठीक है। रसिया में 11 टाइम स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड टाइम जोन्स हैं, समझ गए। यहाँ पे हमारे चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और बहुत ही प्यार से समझाया है मैंने, बहुत ही स्लो चला हूँ मैं, कछुए की चाल, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें। और अगली बार से हम ट्राई करेंगे ना, अगली बार से लेक्चर पता कैसे करेंगे, पहले हम समरी दे देंगे, ठीक है। समरी के बाद चैप्टर पढ़ाएंगे, सो दैट कि ईजी होगा कि चैप्टर के अंदर है क्या, ठीक है। मतलब हम बिना चैप्टर के समरी के ही अगर हम आगे बढ़ जा रहे हैं ना तो ये शायद बच्चों को मुश्किल लग रहा होगा, मतलब उदास टाइप का चेहरा बनाना चाहिए बिल्कुल, तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा होगा और गुस्से भी होंगे कि बच्चे की सर क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम पहले हम समरी पढ़ेंगे ऐसे ही व्हाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर स्टडिंग। अगले वीडियो मिलते, तब तक के लिए जय हिंद।